सिलवासा के मसाट विस्तार में स्थित स्प्रिंग सिटी सोसाइटी के लोग इन दिनों काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि यह मामला स्प्रिंग सिटी सोसाइटी के बगल में स्थित हनुमान ट्यूब नामक लोहा गलाने वाली कंपनी का है। इस दिनों बरसात की आड़ में हनुमान ट्यूब नामक इंगोट कंपनी भारी मात्रा में दाना के स्वच्छता वातावरण को प्रदूषित करने में व्यस्त है। जानकारी के अनुसार बीते वर्ष दाना प्रदूषण विभाग ने इस कंपनी को सील भी की थी, लेकिन उनके बावजूद भी इस कंपनी का मनोबल चौथे आसमान पर नजर आ रहा है। कंपनी में लगे ऊंची चिमनी हाथी के दांत की तरह है, जो दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और रहते हैं। अभी जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए इन दिनों स्प्रिंग सिटी सोसाइटी में रहने वाले लोग किस प्रकार से परेशान नजर आ रहे हैं। कंपनी का क्या नाम है? हनुमान ट्यूब। हनुमान ट्यूब चालू कब होती है? कल भी चालू था। क्या करने का? मैं पत्रकार हूँ, मीडिया से आया हूँ। वीडियो मिला है कल इधर से, सोसाइटी वाले कल शिकायत किए हैं। क्या शिकायत? पूरा धुआं उड़ रहा था उसका। नहीं नहीं, धुआं वहाँ के लिए सब व्यवस्था बनाया है। क्या व्यवस्था है धुआं के लिए? कहाँ है मशीन? तो मशीन तो दिखती नहीं, मशीन में तो कुछ हो ही नहीं, चिमनी तो ऐसे खड़ी है। नहीं, अंदर सेटिंग है। चिमनी तो ऐसे ही खड़ी है भैया, अभी कोई है नहीं, तो बाहर गए हैं। क्या नाम है, देख रेख करते हो, उनका नाम क्या है? मैं तो अभी नया आया हूँ साहब, जो है। कितना दिन ड्यूटी हुआ? एक महीना हो गया। जैसे कि देख रहे हो आप, चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा है। मॉर्निंग के 11 बज रहा है, कंपनी ने क्या हालत बना के रखा है सोसाइटी का। चिमनी देखिए, जैसे चिमनी में से कोई धुआं नहीं।